सो वेलकम बैक गाइज इन माई न्यू वीडियो। और गाइज ये मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट की सर्वाइवर सीरीज है। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और गाइज आप लोगों को बता दूं गाइज ये मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो होने वाली है। सो गाइज आप लोगों को मैं पहले अपना वर्ल्ड दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को गाइज से आइडिया हो जाएगा कि मेरा वर्ल्ड पहले कैसा था और बाद में कैसा होगा। क्योंकि गाइज हम पूरे वर्ल्ड को ना पूरा चेंज करने वाले हैं। और गाइज ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, सो गाइज ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ पे गाइज मैं रहता हूँ। और यहाँ पे गाइज ये लाइब्रेरियंस का घर है। गाइज अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ गाइज मेरा प्यारा सा जू। इसमें गाइज मैंने लगभग पूरे तो नहीं कह सकता, हाँ गाइज मैंने कोशिश तो की है मैं सारे एनिमल्स को ले आऊँ, मगर गाइज कुछ ऐसे एनिमल्स थे गाइज जो रिस्पॉन हो जाते थे, और कुछ लोग कुछ एनिमल्स को तो गाइज मैंने नेम टैग ही देना भूल गया था। सो गाइज अभी मैं लैंड कर रहा हूँ एक्वाटिक एनिमल्स वाले साइड में। सो गाइज यहाँ पर देखिए गाइज मैंने कहा इतना बड़े बड़े जू लिखा हुआ है। सो गाइज इस वीडियो को गाइज इंजॉय करें। सो गाइज ये देखो मेरी गाइज फिशेज, और गाइज इस फिश का गाइज मेरे को नाम भूल जाता है, क्या नाम है इसका। गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं डॉल्फिन को भी लेके आने वाला हूँ। सो गाइज ये मैंने एक लिफ्ट बनाई है। सो गाइज अगर आपको गाइज मेरा लिफ्ट वाला आइडिया अगर आप लोगों को गाइज अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दो। सो गाइज ये है हमारी कार। और ये हैं गाइज हमारी कलरफुल शीप्स जिनको गाइज मैंने नेम टैग दिया है। और ये गाइज हमारा हॉर्स यानी कि घोड़ा। सो गाइज यहाँ पर मैंने रखे हैं रैबिट्स, और उसके दूसरी साइड में गाइज मैंने कलरफुल पैरट्स रखे हैं। सो गाइज यहाँ पर है हमारे पोलर बेयर, बहुत ज्यादा प्यारे हैं और क्यूट हैं यार, शक्ल तो दिखा दे। सो गाइज इनका आज मूड नहीं है शक्ल दिखाने का। सो गाइज ये है रावेजर, उनको गाइज अभी मैं आता हूँ जूम में, इनको मैं मारता हूँ क्योंकि गाइज इनने मेरे को बहुत ज्यादा तंग किया था लाने के टाइम यहाँ पर। जब मैंने इनको जब ये किया था ना ट्रैप, तो गाइज मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। गाइज यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ गाइज मैं एक स्पाइडर लाऊं यहाँ पर। वैसे वो पिछली जो अभी आपने जो स्पाइडर देखे वो केव स्पाइडर थे। और यहाँ पर गाइज मैं गोट लाऊंगा। और यहाँ पर गाइज मैंने लाए थे टोटल 6 पैंडास, और उनमें से मैंने सिर्फ 3 क्वीन नेप टैग दिया था, मगर पता नहीं गाइज ये वाला कैसे रह गया, मतलब कि ये रिस्पॉन नहीं हो पाया। तो गाइज ये हमारा टोटल, ये हैं हमारे वुल्फ। सो गाइज ये हमारा लामा। और गाइज यहाँ पे अभी मैं सोच रहा हूँ अभी मैं कौन कौन सा एनिमल रखूँ। ये हमारा स्केलेटन हॉर्स, और ये हमारा ढंकी। और गाइज ये इस टाइम का गाइज मोस्ट रेयर ये है मशरूम काओ। सो गाइज अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपने मतलब कि एनिमल फार्म भी आप लोग कह सकते हो या फिर फूड फार्म भी कह सकते हो। सो गाइज अरे खुल जा, अरे खुल ना यार, खुल गया। अच्छा गाइज यहाँ पर मैंने रखे हैं अपने हॉर्स जिनके ऊपर गाइज मैं राइड करता हूँ। मतलब ये गाइज करता था मगर कभी कभी गाइज उसको जरूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर है गाइज मेरा चिकन फार्म। अब गाइज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट तो गाइज मैंने कोबल स्टोन से किया था, पर अब गाइज मैंने ब्रिक स्टोन का बनाया है अपना घर।
सो गाइस यहाँ पर मैंने ढेर सारी चेस्ट रखी है और इधर भी गाइस मैंने वाटर वाली लिफ्ट का यूज किया है। सो गाइस यहाँ पर मैं रखता हूँ अपने फर्निश और यहाँ पर गाइस मैंने रखे हैं, ये गाइस मेरी छोटी सी बालकनी है और गाइस यहाँ पर मैंने रखे अनचांटेड टेबल, अनचेंटिंग टेबल। और गाइस अब मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। ये गाइस मेरी फेवरेट जगह, यहाँ पर गाइस मैं सोता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ से ना व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि गाइस मैं सारे विलेज को देख सकता हूँ, अपने पूरे विलेज को इधर से देख सकता हूँ। और यहाँ से गाइस ये मैंने तब बना था जब मैंने रेड की थी प्लेजर्स के साथ। ऊपर से गाइस वो चलाना अटैक करना गाइस इजी रहता है यहाँ से, और गाइस यहाँ से गाइस मैं कवर में रहता हूँ। अरे यार मैंने आप लोगों को तो अपना फूड फार्म और एनिमल फार्म तो दिखाया ही नहीं। सो गाइस मैं फटाफट से आप लोगों को अपना फूड फार्म और एनिमल फार्म जिसको आप बोल सकते हो वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी शीप्स रखी हैं और दूसरी साइड में गाइज मैंने अपनी काउ रखी है। मैं तो गाइज इनको फूड फार्म बोलता हूँ क्योंकि गाइज मैं इनको फूड के लिए यूज़ करता हूँ। जब मेरे को गाइज भूख लगती है, जब मेरे को खाने की ज़रूरत होती है तो गाइज मैं इन्हें मारता हूँ। और गाइज ये मैंने ट्रेडर्स से चुराए थे लामा। सो गाइज मैं अब आप लोगों को अपने दिखाने जा रहा हूँ विलेजर हाउस, क्योंकि गाइज ये आजकल यहाँ पर गाइज ज़ॉम्बी विलेजर बन जाते हैं क्योंकि गाइस ये रात को घूमते रहते हैं। तो इसलिए गाइस अब मैं इनको बंद करने वाला हूँ, इनके लिए अब अलग से घर में बनाने वाला हूँ। और गाइस मेरे को दिखाना गाइस ये ग्रास वाला आइडिया मेरा कैसे लगा। बट गाइस ये साइड से गाइस जो मैंने वो लगाए लीव्स वो गाइस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो गाइस मैंने तोड़ूंगा बाद में। और ये देखो गाइज मेरा विलेजर हाउस, मतलब कि गाइज अभी मैंने विलेजर्स को भी अभी गाइज मैंने लाना है और सबसे पहले गाइज मैंने इसे ऊपर कवर करना है। सो गाइज मैं आ चुका हूँ इस ट्रीज के पास और गाइज मैं अभी यहाँ से सारे लीव्स लूँगा और फिर उसको तोड़ के जो वो कॉर्नर्स थे गाइज उसके वो जल्दबाजी में गाइज मैंने वो एक्स्ट्रा तोड़ दिए, मतलब कि पूरा डेकोरेशन एक हिसाब से देखा जाएगा गाइस मैंने ख़राब कर दिए। अब उसी को गाइस मैंने को फिल करने के लिए मैंने ये तोड़ रहा हूँ। सो गाइस फटाफट से जाते हैं घर। सो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले गाइस मैंने वो लीव्स ठीक करने थे जो गाइस मैंने डेकोरेशन के लिए लगाए थे। देखो गाइज वैसे तो गाइज मैंने काफ़ी अच्छे से किया है डेकोरेट, बट गाइज देखो जैसे यहाँ पर मैंने देखो गाइज क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कार्ड दिए, ये देखो इधर मैंने फिल करना था, ये देखो गाइज यहाँ पर मैंने क्या ही किया हुआ है इसे। अब ठीक हो गया गाइस ये। अरे यार ये डंकी कहां से आ गया, अरे मैंने इसे मारा क्यों, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं इसे बुझा क्यों रहा हूं, मैं क्या करूं, हो क्या गया यार मुझे। तो गाइज मैं देखना चाहता हूँ अपने टॉप व्यू और देखो गाइज प्रो लेवल वाली चीज़ गजब बेइज्जती है।
सो गाइस फाइनली मैं चढ़ गया। गाइस ये तो मेरे को किसी ब्रिज की तरह लग रहा है। सो गाइस अब मैं जल्दी से अपना काम शुरू करता हूँ इसको ऊपर से पूरा कवर करने का। गाइस जो मैं नहीं चाहता था गाइस वो ही हो गया, ये यहाँ पे बारिश लग गई। माइनक्राफ्ट के गाइस कुछ गंदे वेदर हैं, उनमें से गाइस ये एक गंदा वेदर है गाइस जो मेरे को बहुत ज्यादा गंदा लगता है। ओ गॉड यार ये बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सो फाइनली गाइस बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैंने पूरा ऊपर से कवर कर लिया है और मैंने गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्च लगा दिए ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ बाहर ताकि गाइस आप लोगों को टॉप व्यू दिखा सकूँ। गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है गाइज, मेरे फैंस पे जितने भी गाइज मैंने लालटेन लगाई थी पता नहीं गाइज वो कैसे गायब हो गई। अब गाइज मैं वही लालटेन लेने के लिए जा रहा हूँ लाइब्रेरियंस के पास। ये देखिए गाइज मेरा लाइब्रेरियंस का घर। सो गाइज फाइनली हमें लालटेन मिल चुकी है, वो भी गाइज एक स्टैग नहीं पूरे दो दो स्टैग। सो गाइज ये देखिए मेरे विलेजर हाउस का टॉप व्यू। अरे मैं गिर क्यों गया? बहुत बढ़िया मुन्ना। सो गाइस मैं एक और बार फिर ट्राई कर रहा हूँ। तो करना परेशान हो गए हम। ये देखो गाइस टॉप व्यू मेरे विलेजर हाउस का, ये देखो गाइस। अब फटाफट से गाइस मैं यहाँ पर लैंड कर देता हूँ। तो गाइस मैं अब आ चुका हूँ विलेजर हाउस के अंदर। अब गाइस मैंने मुश्किल मुश्किल काम करने, जैसे गाइस मैंने विलेजर्स को यहाँ पर लाना है और उनको जॉब देनी है और गाइस यहाँ पर बहुत सारे बेड बनाने, वैसे गाइस मेरे पास शीप फार्म भी है तो गाइस मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की बेड के लिए। बाकी प्लैंक्स तो गाइस मेरे साथ मेरे पास तो भर भर के पड़े हैं, बस मेरे को गाइस दो चीज़ों की गाइस ज़रूरत है, बोट की और लीड की। तो मेरे पास गाइस पहले से थोड़ा वूल पड़ा हुआ था चेस्ट में, वो मैं गाइस वूल लेके आ गया हूँ और गाइस मैं अब बेड बनाने वाला हूँ।
फाइनली गाइज मैं यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स लेके आया हूँ और गाइज उनको मैंने जॉब्स भी दे दिए। बस गाइज यही वाला विलेजर एक है जिसके पास जॉब नहीं है। पता नहीं इतने सारे कंपोस्टर हैं, इतनी सारी जॉब्स हैं, मगर तब भी जॉब्स नहीं ले रहे। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है जॉब से। लगता है गाइज ये शायद ज़्यादा आलसी टाइप का है। सो गाइज इसको तो गाइज मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि गाइज इसके साथ इसको तो गाइज अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर इसने जल्दी से अगर इसने कोई जॉब नहीं ली तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही। वीडियो को गाइज शेयर कर दो और फेसबुक पर भी गाइज मेरे को फॉलो कर दो।